ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर जो होते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है वो टूट नहीं पा रहा है। ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज में, जब भी आप फास्टिंग स्टेज में जाते हो, वो नहीं हो पा रहा है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर को हमने डिवाइड किया, जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, जो सिंथेसिस होता है मेनली ग्लाइकोजन का, वो होता है दो जगह, लीवर में और मसल्स में। ठीक है, तो हमने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर को दो टाइप में डिवाइड किया, ग्लाइकोजन एक लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर और मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। अब पॉइंट क्या है कि अगर लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर हो रहा है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, और मसल्स में हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो लीवर है मेन साइट का, जहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ के, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाते हैं इन फास्टिंग स्टेज। तो अगर लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। कब? फास्टिंग के टाइम पे। हाइपोग्लाइसीमिया फास्टिंग के टाइम पे होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि लीवर इनलार्ज होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन वहाँ स्टोर हो रहा है, तो लीवर का इनलार्जमेंट होगा, जिसको हैपेटोमेगेली बोलते हैं, हेपेटोमेगेली। ओके, ये दो कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हर लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के साथ होगा। मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स में क्या होंगे, जो मसल्स में ग्लाइकोजन का एक्युमुलेशन होगा उसमें क्या होगा कि नॉर्मोग्लाइसीमिया होगा, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल वो नॉर्मल होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होगा, लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होगा, पेन होगा। तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस लिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर की बात कर रहा है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया लिख रहा है, हेपेटोमेगली बोल रहा है, ऑर्गन इनलार्जमेंट का बात बोल रहा है, तो वो लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर की बात कर रहा है। तो अभी हम जो मोस्ट कॉमन जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है वो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वॉन गियारके डिजीज। नॉर्मली हमें पता है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट होता है, इसको हमें तोड़ना है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को हमको जब ग्लूकोज में तोड़ना है तो यहाँ पे एक इंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। यहाँ मेंशन है ये वाले इमेज में, ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज इंजाइम नहीं रहेगा, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, बिकॉज हम ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना चाहते हैं फास्टिंग स्टेट में। तो अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को सबसे पहले हम लोग लीवर में एक ट्रांसपोर्टर की मदद से लीवर के अंदर लाते हैं, लीवर के ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज, ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। फिर लीवर के अंदर लाने के बाद हमारे पास एक इंजाइम है ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लीवर में रहता है। तो वो इंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज को ग्लूकोज में तोड़ता है। एनी हाउ अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एबसेंट रहे या फिर ये ट्रांसपोर्टर एबसेंट रहे, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का एक्युमुलेशन होगा, और ये एक प्रकार का ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है। तो मोस्ट कॉमन जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है वो है वॉन गियारके डिजीज। तो वॉन गियारके डिजीज में होता क्या है कि ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एबसेंट है, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एबसेंट है तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एक्युमुलेट हो जाता है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एक्यूमुलेट होगा, ये डिफरेंट पाथवे में जाएगा और मल्टीपल मेटाबोलाइट्स बनाएगा। ओके, तो जो बायोकेमिकल हॉलमार्क्स मिलेंगे, जो फीचर्स मिलेंगे वॉन गियारके की डिजीज में, उसमें क्या मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया तो मिलेगा ही। ठीक है, फिर क्या ये ग्लूकोज फॉस्फेट लैक्टिक एसिडोसिस भी कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूमुलेट करके लैक्टिक एसिड में चेंज होगा। दूसरा, हाइपरलिपिडीमिया मिलेगा, ये चेंज हो रहा है। थर्ड, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, कीटोसिस। और फोर्थ, ये यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन बढ़ा जाएगा, जिसे कल हाइपर यूरिसीमिया। तो वॉन गियारके डिजीज के बायोकेमिकल फीचर्स अगर देखोगे तो ये पांच चीजें आपको मिलेंगी, हाइपोग्लाइसीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, हाइपरलिपिडीमिया, कीटोसिस और हाइपर यूरिसीमिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एक्यूमुलेट हो रहा है वो बॉडी में कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट होगा। तो फर्स्ट आपको क्या क्लिनिकल फीचर भी डिवाइड करना है कि देखना है, ये बच्चा देखो, ये बच्चा का जो फेस होगा ये कैसा होगा, डॉल लाइक फेस होगा इसका, डॉल लाइक फेस, इंपॉर्टेंट, डॉल लाइक फेसेस होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैसिव हेपेटोमेगेली है, लीवर बहुत ज़्यादा इनलार्ज होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, आपको रीनोमेगेली मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या, रीनो मतलब यहाँ किडनी, ये किडनी इनलार्ज होगा। ठीक है, तो किडनी का इनलार्जमेंट होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ स्प्लीन नॉर्मल मिलेगा, स्प्लीन नॉर्मल, तो नो स्प्लीनोमेगेली। तो बायोकेमिकल फीचर्स देख लिए हमने, बच्चा दिखने में कैसा होगा, ये देख लो, डॉल लाइक फेसेस होगा। ठीक है, प्लस उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगी, ये बच्चे के पैर हाथ देखो, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लिम्स हैं, वो कितने थिन हैं। अब बच्चा का जो एब्डोमिनल एरिया है वो इनलार्ज होगा, प्रोट्रूडेड एब्डोमेन दिख सकता है, क्योंकि लीवर इनलार्ज है और किडनी भी इनलार्ज है, बट स्प्लीन नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट चीज, स्प्लीन नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मली जो ग्लाइकोजन होता है वो ऑर्गन से स्टोर होता है, तो लीवर में स्टोर्ड है, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी आप प्लाज्मा देखोगे तो इस पेशेंट का जो प्लाज्मा है ड्यू टू हाइपर लिपिडीमिया, यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक पॉइंट लिखा रहता है कि मिल्की वाइट प्लाज्मा मिलता है बच्चे का। क्या मिलता है? मिल्की वाइट प्लाज्मा। मिल्की वाइट प्लाज्मा क्यों मिलता है? क्योंकि हाइपर लिपिडीमिया हो चुका है। ठीक है, तो वॉन गियर के डिजीज के बच्चे कैसे होते हैं? ये शॉर्ट स्टेचर होते हैं, लीवर और किडनी इनका इनलार्ज होता है, प्यूबर्टी डिलेड होगा। ठीक है, तो ये देख लो आप, लीवर इनका यहाँ पे एब्डोमिनल इनलार्ज है, ये थिन लिम्स है, लिम्स थिन है। ठीक है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग में क्या होगा कि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरयूरिसीमिया मिलेगा। क्रोनिक रीनल डिजीज का चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि लीवर में भी ग्लाइकोजन का एक्युमुलेशन हो रहा है, लीवर एडिनोमा होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर था वॉन गियर्के डिसऑर्डर। अब हमने यहाँ पे पॉइंट पे बात किया था कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर, जो कि लीवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो लीवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पे ये अगर ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट होगा तो हम इसको बोलोगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर 1B। जो 1A है वो मेनली हम लोग वॉन गियर के इसको बोलते हैं। तो 1B में क्या है? ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट है। तो अगर ट्रांसपोर्टर के डिफेक्ट के कारण अगर दिक्कत होता है तो इसको बोलते हैं 1B। ठीक है, अभी अगर ये 1B है तो इसमें सारे सिमिलर फीचर आएंगे वॉन गियर के, एक्सेप्ट दो करेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे जिसमें बोलते हैं न्यूट्रोपिनिया, कि न्यूट्रोफिल का डिफेक्ट होगा। तो न्यूट्रोफिल का डिस्फंक्शन होगा तो बार बार बच्चे को इन्फेक्शन होगा, और दूसरा इस बच्चे को IBD होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। रेस्ट ऑल सिम्टम सिमिलर टू वॉन गियर के, बाकी सारे सिम्टम वॉन गियर के की तरह ही सिमिलर होंगे। और हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर की बात करते हैं, जैसे Type 3 और Type 4। तो अगर आपको ऐसा क्लिनिकल हिस्ट्री मिला जिसमें स्प्लीनोमेगली लिखा हुआ है, अभी तक हमने स्प्लीनोमेगली नहीं पढ़ा, हमने रीनोमेगली और हेपेटोमेगली पढ़ा था। स्प्लीनोमेगली लिखा हुआ है पर रीनोमेगली नहीं लिखा हुआ है, तो आप Type 1B और 1D के बारे में, 1A और 1B के बारे में सोचना भी मत, डायरेक्ट आ जाना Type 3 Type 4 में। तो अगर लीवर या फिर कोई भी ऑर्गन का इनलार्जमेंट है तो ये हमेशा लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अगर स्प्लीनोमेगली लिख रहा है तो आप Type 3 Type 4। अगर Type 3 Type 4 को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, Type 3 को हम लोग बोलते हैं कोरी, तो ABC में आ जाना, तो C3 है तो कोरी डिसऑर्डर। ठीक है, और जो Type 4 है उसको हम लोग पढ़ते हैं एंडरसन डिसऑर्डर। ठीक है, तो एंडरसन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जो Type 3 है तो उसको ऐसे याद रखना CD, जो Type 3 है कोरी है उसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट होता है। तो हमने पढ़ा होगा ग्लाइकोजेंस में ब्रांचिंग होता है, ब्रांचिंग को तोड़ने के लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है। अगर डी ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट हो जाए तो लार्ज ब्रांच वाले ग्लाइकोजन का एकुमुलेशन होगा, जिनको हम लोग बोलते हैं लिमिट डेक्सट्रिन। ये एबनॉर्मल ग्लाइकोजन स्टोर होकर एकुमुलेट हो जाएगा बॉडी में। तो कैसे याद रखेंगे? Type 3 = C, C = D। तो Type 3 को हम लोग बोलते हैं कोरी, और इसमें जो डिफेक्ट होता है वो होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम का। ये मल्टीपल बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसमें ऑप्शन ऐसे जो स्टेटमेंट लिखा रहता है उसमें लिखा रहता है लिमिट डेक्सट्रिन। तो लिमिट डेक्सट्रिन का एकुमुलेशन हो रहा है, जो कि एक एबनॉर्मल ग्लाइकोजन है, वो क्यों होता है? डी ब्रांचिंग एंजाइम के डिफेक्ट के कारण। जो Type 4 है उसको याद करने के लिए, Type 4 को हम लोग बोले थे एंडरसन डिसऑर्डर, एंडरसन ग्लाइकोजन। ठीक है, तो एंडरसन डिजीज बोलते हैं, सॉरी एंडरसन डिजीज। इसमें जो एकुमुलेशन होता है, जो मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टीन लाइक मटेरियल। इस एमाइलोपेक्टीन लाइक मटेरियल के एकुमुलेशन के कारण इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिनोसिस। ठीक है, और यहाँ पे जो इंजाइम होता है ब्रांचिंग इंजाइम, तो डिफेक्ट याद करना, इसको बस याद कर लो, इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे ब्रांचिंग इंजाइम का डिफेक्ट होता है, यहाँ पे लिमिट डेक्सट्रिन होता है, यहाँ पे एमाइलोपेक्टीन का एक्यूमुलेशन। पर लिखेगा कि एमाइलोपेक्टिनोसिस हो रहा है तो एंडरसन डिसऑर्डर। एंडरसन डिसऑर्डर में करेक्टरिस्टिक चीज क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज याद क्या करना है? हाँ, ये याद रखना कि दोनों में स्प्लीनोमेगली मिलेगा, रीनोमेगली नहीं मिलेगा। ओके, तो याद रखते हैं इसमें क्या होगा, एमाइलोपेक्टीन जो एक्यूमुलेट होगा वो लीवर में एक्यूमुलेट होगा, वो प्रोग्रेसिव सिरोसिस करेगा, बाद में क्या होगा, पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन होगा और डेथ हो जाएगा। तो डेथ करीबन 5 ईयर में लीवर फेल्यूर के कारण डेथ हो जाता है। ये एंडरसन डिसऑर्डर होगा, जिसको एंडरसन डिजीज हो गया, जिसको हम लोग एमाइलोपेक्टिनोसिस भी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम लोग ध्यान देंगे वो होगा मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। तो मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में सबसे पहला क्या बोलेगा वो, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस।
जैसे ही एक्सरसाइज इंटॉलरेंस का बात होगा, आप सोचना कि मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है। मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर को हमने डिवाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ कि पेशेंट में हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है कि नहीं, मतलब हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है, अगर प्रेजेंट है, तो इसमें एक ही डिसऑर्डर होता है जो कि पॉम्पेज डिसऑर्डर। कैसे याद रखेंगे, जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, और इसमें अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसको बोलेंगे पॉम्पेज। तो एक पॉम्पेज डिसऑर्डर है जिसमें हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा तो मैकार्डल में। और एक है टैरोविस डिजीज, ठीक है, टैरोविस डिजीज या टैरोविस जो भी बोलो, टैरोविस डिजीज। तो अब मोस्ट कॉमन जो मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होगा उसमें क्या होगा, जो सीरम क्रिएटिनिन काइनेज है वो बढ़ जाएगा। मसल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्रिएटिनिन काइनेज बढ़ेगा, ठीक है, साथ में सीरम एलडीएच और सीरम एसिड फॉस्फेटेज बढ़ जाएगी। ये तीनों मेनली पॉम्पेज में बढ़ा रहता है। अभी हम क्या करेंगे, पॉम्पेज को टाइप 2 भी बोलते हैं, मैकार्डल को टाइप 5 बोलते हैं, अटैरविस को बोलते हैं टाइप 7। तो हम पॉम्पेज और मैकार्डल में डिफ्रेंशिएट करेंगे। पॉम्पेज मतलब क्या, पंप करता है, पंप कौन करता है, हार्ट। तो यहाँ पे हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी मिलेगा, मैकार्डल में हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी नहीं मिलेगा। तो जो पॉम्पेज डिसऑर्डर है उसमें क्या है कि मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, तो ग्लाइकोजन का एक्युमुलेशन, तो कौन से एंजाइम का डिफेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी मिल रहा है तो आप मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में जाओगे। उसके बाद बोलेगा कि हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी मिल रहा है, इसका मतलब पॉम्पेज है, तो कौन सा एंजाइम डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं एसिड α14 ग्लूकोसाइडेज, ये पूछा जाता है एंजाइम, या फिर एसिड माल्टेज, ठीक है। तो एसिड माल्टेज या एसिड α14 ग्लूकोसाइडेज, ये डिफेक्ट होता है पॉम्पेज में। मैकार्डल जो डिसऑर्डर है जो कि हार्ट को नहीं इन्वॉल्व करता, उसमें मसल का जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है, इसके बारे में, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इसका डिफेक्ट होता है। अब क्लिनिकल सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों को, तो दोनों साइड नॉर्मोग्लाइसीमिया तो मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि जो पॉम्पेज है एक प्रकार का लाइजोजोमल स्टोरेज डिसऑर्डर भी है, ठीक है, लाइजोम्स में एकुमुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर मिलेगा, यहाँ पे फ्लॉपी इन्फेंट मिलेगा। फ्लॉपी इन्फेंट कहाँ मिलता है, मतलब ऐसा बच्चा जिसमें कोई टोन नहीं है, तो हाइपोटोनिया जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे फ्लॉपी इन्फेंट्स मिलेंगे, ओके। दूसरा, जो पॉम्पेज डिसऑर्डर में जो सिम्टम्स होंगे वो अर्ली ऑनसेट होंगे, जो टंग होगा वो बड़ा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोग्लोसिया, और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा कार्डियोमेगेली। तो ये याद रखना, पॉम्पेज में ही हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये बच्चे का डेथ हो जाएगा क्यों, क्योंकि कार्डियक फेलियर के, तो डेथ क्यों होगा, कार्डियक फेलियर के कारण, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग एंजाइम्स मिलेंगे हमारे बड़े हुए, सीरम सिक्रेटिनिन काइनेज, सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और एसिड फॉस्फेटेज का, ये सारे एंजाइम्स आपको ब्लड में बढ़े हुए मिलेंगे सीरम में। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हमने इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी रख रखी है पॉम्पेज के लिए। कौन कौन से इंजाइम, मायोजाइम दे सकते हैं अलग से ट्रीटमेंट में, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में एग्लूसाइडेज अल्फा, एग्लूसाइडेज अल्फा और रिकॉम्बिनेंट एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये तीन ट्रीटमेंट है जो कि पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे मैकार्डल में क्या होगा कि मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोलेज का डिफेक्ट है, तो क्लिनिकल फीचर में नॉर्मोग्लाइसीमिया मिलेगा, पेशेंट एकदम दिक्कत है, मतलब ब्लड जो शुगर लेवल होगा नॉर्मल रहेगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस यहाँ ज़्यादा होगा। और क्या होगा कि मसल का जो ब्रेकडाउन होगा इसके कारण क्या होगा कि रेबडोमायोलाइसिस के कारण जो मायोग्लोबिन है वो यूरिन में आएगा, और यूरिन का जो कलर है वो स्पेशली एक कलर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बरगंडी कलर यूरिन मिलेगा। क्या मिलेगा, बरगंडी कलर यूरिन। एक स्पेशल टाइप ऑफ फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं सेकंड विंड फिनोमिना, जो कि आपके मैकार्डल डिसऑर्डर, जो सेकंड विंड फिनोमिना होता है वो होता क्या है कि आप जब भी एक्सरसाइज करोगे तो आपको पेन होगा, ठीक है, तो आप रेस्ट लोगे, रेस्ट होने के बाद पेन सबसाइड कर लेगा, फिर उसके बाद जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो वो पेन कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एक्सरसाइज जब पहली बार करोगे तो पेन होगा, फिर रेस्ट लोगे तो पेन कम होगा, फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज करोगे तो आप मोर इजीली कर लोगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या है, जो मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है वो है मैकार्डल एडल्ट और एडोलेसेंट एज में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आपके मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट, अब टैरविस डिजीज के बारे में पढ़ना। टैरविस इज टाइप 7 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। इसमें जो इंजाइम डिफेक्ट होता है वो होता है मसल एंड इरिथ्रोसाइट में जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इंजाइम होता है उसका डिफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स आएंगे वो तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस तो मिलेगा ही, यहाँ पे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस मिलेगा ही, पर यहाँ पे कोई सेकंड विंड फिनोमिना नहीं है।
हमें पता है ना कि टैरविस और मैकार्डल में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो हम लोग मैकार्डल और टैरविस के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में हार्ट इन्वॉल्व नहीं होती। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस दोनों में कॉमन है, पर सेकंड विंड फिनोमिना नहीं मिलेगा। सेकंड विंड फिनोमिना मेनली मैकार्डल के साथ मिलता है। और थर्ड, यहाँ पे एज इरिथ्रोसाइट का भी फॉस्फोफ्रेक्टोकाइनेज का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक चीज मिलेगा दैट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस टैरविस डिजीज में ही सिर्फ मिलेगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होगा वो होगा आपका टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड वोन गियार केस। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज इन एडल्ट्स, अगर एडोलेसेंट पूछे तो ये मैंने बता दिया मैकार्डल, ये एक प्रकार का मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है। ओके, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर विथ फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड हेपेटोमेगली। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हेपेटोमेगली है, तो लीवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर होगा। कॉमन लीवर सीरोसिस मिल रहा था, प्लस डेथ हो जा रहा था पेशेंट का टाइप 3 एंड टाइप 4 में। ओके, टाइप 3 इज कोरी एंड टाइप 4 इज एंडरसन। कोरी में डी ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट, एंडरसन में ब्रांचिंग एंजाइम का। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर विद द रीनल डिसफंक्शन टाइप 1 वॉन गियर के डिसऑर्डर। ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो हमारा जो टाइप 1 है वो है वॉन गियारकेस। एंजाइम देख लेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस। टाइप 2 जो है पॉम्पेस, जिसमें हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी मिलता है, इसमें जो एंजाइम है एसिड माल्टेज और एसिड α1,4-ग्लूकोसाइडेज। ये याद रखना, कोरीज एंडरसन, डी ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट, ठीक है। लिमिट डेक्सट्रिनोसिस एंडरसन, ए फॉर एमाइलोपेक्टिनोसिस, एंजाइम ब्रांचिंग एंजाइम। ओके, टाइप 5 को मैकार्डल बोलते हैं, मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का डिफेक्ट। टैरविस में मसल और इरिथ्रोसाइट में जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज होता है उसका डिफेक्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि प्रिपरेशन फेज में होना चाहिए वो होना चाहिए शॉर्ट नोट्स। तो ये मेरा शॉर्ट नोट्स है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए, जो मैं लास्ट टाइम पे देखता था, ठीक है। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर को लीवर और मसल्स में डिवाइड कर लिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हेप्टोमेगली, नॉर्मोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस यहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर कोई एक्सरसाइज इंटॉलरेंस नहीं मिल रहा है तो आपका है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर ऑन द लीवर। टाइप 1 वॉन गियर के, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 में, टाइप 6 में हॉर्स होता है, ठीक है। हॉर्स हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप 1 में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी, कीटो एसिड, लीवर में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, लिपिड्स बढ़ जाएगा। पेशेंट कैसा दिखेगा, डॉल लाइक फेस विद द थिन एक्सट्रीमिटीज, ये तुम्हारा वॉन गियर की डिजीज है, ठीक है। मैसिव हेपेटोमेगली, ये देख चुके हम लोग। रीनोमेगली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्प्लीन नॉर्मल मिलेगा। तो आपका जो शॉर्ट नोट्स होना चाहिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे लेआउट में होना चाहिए और एक पेज में हर चीज़ होना चाहिए कि देखते ही पता चल जाए, ठीक है। प्लाज्मा मिल्की वाइट प्लाज्मा मिलेगा क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। ओके, अब आते हैं टाइप 1 का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं टाइप 1B ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, जो कि ट्रांसपोर्टर में डिफेक्ट है। तो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या मिलता है, इसमें करेक्टरिस्टिक न्यूट्रोपीनिया विद द रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्लस यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का चांसेस बढ़ जाता है। इट्स ओके, नेक्स्ट है हमारा टाइप 3 टाइप 4, कोरीज एंडरसन, डी ब्रांचिंग एंजाइम, और यहाँ पे जो एक्युमुलेशन होता है डी का होता है, लिमिट डेस्टिनोसिस विद द फ्यू आउटर ब्रांचेज। ए होता है एंडरसन डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट, और इसमें जो एक्युमुलेशन होता है एमाइलोपेक्टिन लाइक मटेरियल। सिमिलैरिटीज क्या है, स्प्लीनोमेगली यहाँ भी मिलेगा, हेपेटोमेगली यहाँ मिलेगा, रीनल नॉर्मल होता है। इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो रीनल होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। डेथ यहाँ पे क्यों होता है, लीवर फेलियर का, दोनों में जो डेथ होता है वो लीवर फेलियर के कारण होता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, लिमिट डेक्सट्रोनोसिस भी बोलते हैं, किसको, कोरिस डिजीज को लिमिट डेक्सट्रोनोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स ओके, अब आते हैं टाइप 6 हार्ट डिजीज, इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, इसमें बस एंजाइम याद रखो, लीवर फॉस्फोरिलेज डिफिशियंसी। ओके, अब नेक्स्ट हमारा मसल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, करेक्टरिस्टिक क्या होगा, नॉर्मोग्लाइसीमिया मिलेगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस मिलेगा। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी में, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी मिल रहा है तो पॉम्पेस, नहीं मिल रहा है तो मैकार्डल और टैरविस डिजीज होगा। ओके, एंजाइम जो होगा पॉम्पेस में होगा एसिड माल्टेज डिफेक्ट या एसिड α1,4-ग्लूकोसाइडेज डिफेक्ट। ओके, मैकार्डल में ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का डिफेक्ट। ओके, अब आते हैं कि इन दोनों में देखा था हमने कि हाइपोटोनिया, माइक्रोग्लोसिया, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। डायग्नोसिस में तुम्हारा सीरम में क्रिएटिनिन काइनेज, लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज और एसिड फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा, और यहाँ पे मैकार्डल में हमने देखा था बर्गंडी कलर यूरिन, सेकंड विंड फिनोमिना मिलेगा। ये सब हमने देख लिया, पर एक पेज पे लाकर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वीक में, लास्ट के 7 डेज में सारा एक बार में रिवाइज करना 19 सब्जेक्ट को बहुत टफ होता है, तो उसके लिए शॉर्ट सब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने टैरविस भी मेंशन कर दिया है, टैरविस में क्या होता है, मसल और इरिथ्रोसाइट का फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीमोलाइसिस मिलता था, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को बस मेंशन किया, हीमोलाइसिस। ओके, तो मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर इज द वॉन गियर के, बट इफ आस्क इन एडल्ट और एडोलेसेंट देन इट इज मैकार्डल्स। ऑल ओके।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिसेंट INICAT क्वेश्चन है ये, व्हाट इज फैंकोनी बिकल सिंड्रोम? फैंकोनी बिकल सिंड्रोम क्या होता है? यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है दैट इज कॉल्ड ग्लूट टू, तो ग्लूट टू के डिफेक्ट के कारण एक सिंड्रोम है दैट इज कॉल्ड फैंकोनी बिकल सिंड्रोम। होता क्या है, जो ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर का डिफेक्ट होता है उसके कारण क्या होता है, जो पेशेंट है जो वेल फेड स्टेट में होता है तो वहाँ पे तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसको, और जो फास्टिंग स्टेज में उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक है कि वो ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट है, तो फेड स्टेट में हाइपरग्लाइसीमिया मिल रहा है पेशेंट को और आपके फास्टिंग स्टेट में हाइपोग्लाइसीमिया मिल रहा है, ठीक है, और डिफेक्ट ग्लूट टू का है, देन द सिंड्रोम इज फैंकोनी बिकल सिंड्रोम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज को मेंशन किया गया। दैट्स ऑल, ओके, दैट्स ऑल फॉर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर।